अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बांदा में संचालित अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए निर्मित गुटखा हुआ निर्माण सामग्री आदि को जब्त करते हुए दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। वही पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में काफी समय से एक अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित थी, जिसकी सूचना पुलिस को लगी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध गुटखा निर्माण करने वाले दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। और साथ ही छापेमारी के दौरान अवैध गुटखा बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सुपारी, तंबाकू और कच्चे को भी बरामद किया है। इसके साथ ही काफी मात्रा में निर्मित गुटखा भी बरामद किया गया, जो कि अलग अलग कंपनी के गुटखे थे। पकड़े गए सभी दोनों आरोपियों के खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अतर्रा अंतर्गत और संयुक्त टीम ने एक नकली अवैध गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें लगभग 8.5 क्विंटल सुपारी है, 2 क्विंटल करीब 2.25 क्विंटल तंबाकू मिश्रित सुपारी है, लगभग 3 क्विंटल इसमें कत्था है, 1 क्विंटल तंबाकू है। इसके अलावा 8 बोरा जो है वो निर्मित जो है पान मसाला है, विभिन्न ब्रांड के, लगभग 1 दर्जन ब्रांड के विभिन्न मसाले बने हुए हैं। और ये लगभग इसकी कीमत 10 से 15 लाख है और बनने के बाद इसकी कीमत 25 से 30 लाख हो जाती है। डबल क्या माना जा रहा था, ये कहाँ से इतना माल लाया जा रहा था? ये सब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से माल ले आते थे, इसमें माल रहता था, इसमें तमाम नकली खराब सुपारी कत्था, इसीलिए इसमें जो है 467, 68, 69, 71 इसके अलावा 272, 273 खाद्य सुरक्षा अपमिश्रण और मानक अधिनियम धारा 59 के तहत अभियोग पंजीकृत के दोनों अभियोगों को जेल भेजा जा रहा है। क्या इनके अलावा अन्य जनपद के और भी कोई है? नहीं, अब इसमें डेवलप किया जा रहा है कि और कौन से लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध वैधानिक प्रभावी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।